हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑक्टेवियन। और आज का वीडियो होने वाला है विंडोज़ एसेंशियल 2012। ये जो exe फाइल है वो 2007 विंडोज़ में एडिटर के हिसाब से यूज़ करते थे। तो यहाँ पर एक फ़ाइल है डॉक्यूमेंट, जो पुराना पेपर है डॉक्यूमेंट, जो फ़ोटो निकाला है, और ये एक फ़ोटो है। तो मैं बताऊँगा कि इसको क्विकली कैसे एडिट किया जाए। बट ये जो फोटो एडिटर मैंने ऑन किया है वो विंडोज़ 10 के साथ ही आया है। सो लेकिन ये मुझे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा उतना, और इसे यूज़ करने में भी इतना मज़ा नहीं, क्योंकि फ़ीचर्स इतने नहीं दिए। अभी मैं क्या करूँगा कि देखो, आप राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। तो विंडोज़ एसेंशियल 2012 को इंस्टॉल करने के बाद वो ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ फोटो गैलरी। सो ये जो फ़ोटो गैलरी है दोस्तों, ये 2007 में था विंडोज़ एसेंशियल, और काफ़ी बढ़िया एडिटर है ये, और अभी भी 2010 में चल रहा है। बीच में ये चल नहीं रहा था, लेकिन अभी चलने लग गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विथ फ़ोटो गैलरी आफ्टर इंस्टॉलेशन। फ़ोटो गैलरी जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको दबाना है एडिट, और एडिट के बाद आपको उस फोटो पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आएंगे साइड में, और उसको फिर आप एडिट कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अभी मुझे ये जो पेपर है वो बहुत पुराना है, फ़ोटो डॉक्यूमेंट जो स्कैन किया हुआ है, इसे थोड़ा वाइट और ब्लैक एंड वाइट करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट करने की, काफ़ी अच्छे से हो जाता है इसमें, और काफ़ी फास्ट है ये, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगा मुझे। और विंडोज़ एसेंशियल 2012 ये फ़ोटो गैलरी। सो ये देखो हो गया है ब्लैक एंड वाइट, तो मैं इसे और थोड़ा वाइट कर देता हूँ। काफ़ी बढ़िया है ये, जैसे कि आप देख सकते हो द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर का, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देखिए देखा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, जो कि अच्छा लगता है। और आप इसे वापस से रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनल चाहिए वापस, उसके लिए आपको फ़ोटो गैलरी में जाने पड़ेगा एडिट, और वहाँ पर एक ऑप्शन है डबल क्लिक करने के बाद रिवर्ट टू ओरिजिनल, रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल करते ही आप वापस से वो हो जाएगा। अभी ये देखिए, ये जो है दूसरा फ़ोटो जो मेरे फ्रेंड्स के साथ में मोरवे डैम गया था, तो ये फ़ोटो देखिए अभी कैसे लग रही है। लेकिन अभी जैसे ही मैं इसको एडिट करता हूँ फ़ोटो गैलरी के थ्रू, कितना फास्ट और कन्वीनियंट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फ़ोटो एडिटर। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी फ़ोटोज़ इंस्टा पे डालना चाहते हैं तुरंत एडिट करके और अच्छे से विद HDR इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ इसके जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इनका कंट्रास्ट लेवल, शेडो लेवल, हाइलाइट्स और बाकी सब आप चेंज कर सकते हो इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी बढ़िया लगता था वो टाइम का जो विंडोज़ ने फ़ोटो गैलरी निकाला था। अभी विंडोज़ 10 के साथ है वो काफ़ी नॉर्मल दिखता है और यूज़ करने का मन भी नहीं करता है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है पहले के और बाद में के इसमें, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए सीधा कट कर देने का और क्लोज़ कर देने का, आफ्टर दे वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। सो वही प्रोसीजर है अगेन, आपको अगर रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल करना है। तो गाइस, ये इतना ही था कि आप कैसे विंडोज़ एसेंशियल्स यूज़ कर सकते हैं। 2012 का जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ का, काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, और इसे यूज़ करें, काफ़ी अच्छा है ये, मुझे तो बहुत पसंद है और आपको भी पसंद आएगा। तो लिंक्स में मैंने डाउनलोड दिया है, डाउनलोड लिंक, तो उसमें से डाउनलोड कीजिए। मैंने वहाँ पर फाइल लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।
सब्सक्राइब और शेयर करना।